वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ये पुल देख रहे हैं, ये सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाता है, हीथरो एयरपोर्ट की तरफ। ये मंजर पहले मैं आप हजरात के सामने पेश कर चुका हूँ, दोबारा पेश करने का मकसद ये है कि आप इस इलाके को अच्छी तरह पहचान लें। एयरपोर्ट के बिल्कुल दो कदम पर ये मस्जिद मौजूद है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हेज वेलफेयर एसोसिएशन। और आप यहाँ एयरपोर्ट से उतर कर सीधा आप इस मस्जिद में आ सकते हैं। आप हजरात को शॉर्ट क्लिप बिल्कुल इस मस्जिद के मनाजिर के साथ आप पेश किया जा रहा है, आप चेक करें। ये इसकी पार्किंग है, हम अंदर चलते पहले आपको दिखाते हैं पहले मस्जिद, ये पार्किंग, और ये इसका मेन एंट्रेंस है। बहुत खूबसूरत मस्जिद। ये इसका ऑफिस, नमाज के टाइमिंग, और जो असल जो आप हजरात देख रहे हैं, तकरीबन 1 मिलियन से जायद इन हजरात को ज़रूरत है कर्ज़ हसना की या मदद की। तो मैं आप तमाम हजरात जो भी नाज़रीन हैं, लोगों ने कर्ज़ हसना देकर इस मस्जिद को तामीर किया है, इसको बनाया है, तो दामे दर में सुखन है, जिस एतबार से भी हो, जिस हिसाब से भी आप हजरात इनका तआवुन करें, मदद फरमाएं। ये स्क्रीन कार्ड के जरिए से पे किया जाता है पैसे। इसका वजू खाना देख लें, वजू खाना अंदर से दिखाते हैं आपको। वजू खाना देखिए, छोटा सा वजू खाना, साफ सुथरा, टॉयलेट्स भी। माशाल्लाह, ये पहले पब था और यहाँ डांस वगैरह और लोग शराब पीते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बन चुकी है। बड़े सुकून के साथ यहाँ कुरान करीम की तिलावत हो रही है, माशाल्लाह देखें। जिस तरह मस्जिद का बनाने का हक था हमारे सुहेल भाई ने और यहाँ के जितने भी अहबाब हैं मुतवल्लीन हजरात ने, बड़े खूबसूरत अंदाज में इस मस्जिद को बनाया है। देखिए मेन हॉल के अंदर कुर्सियाँ रखी हुई और माइक का सिस्टम भी बहुत खूबसूरत लगाया है, बहुत बेहतरीन। जजाकुल्ला, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात इस मस्जिद का तआवुन फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।